हेलो गाइस, हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे द नेक्स्ट टॉपिक। माय नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। हम इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले हम ये चैप्टर को थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन बेसिक चैप्टर था इसलिए हम डिफरेंशिएशन को पहले ही ख़त्म कर दिए। अब देखेंगे दैट इज माय न्यू चैप्टर परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। नाम तो सुना ही होगा आपने, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। कम्बिनेशन आइए देखते हैं। तो पहले हम परमुटेशन देखेंगे, फिर कम्बिनेशन देखेंगे, फिर दोनों देखेंगे। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। देखिए, अगर आप किसी को सिर्फ मतलब जैसे आपको कुछ भी दिया गया कि इसमें से फाइव कुछ भी कि 2, 4, 6, 7, 8 ये आपको पांच सा लेटर है। अब इसको क्या करना है, अरेंज करना, अरेंजमेंट, अरेंज जब इसको करना, और दो चीज, और इसको दो तरीके, एक वो अरेंज रहेगा और एक कहेगा इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट। जब हम इसको अरेंज करते हैं, जब हम इसको अरेंज करते हैं, और एक बार हम इसको क्या करते हैं, दो चीज़ हो सकता है कि अरेंजमेंट आएगा और उसके बाद उसको क्या कर सकते हैं, किसी अरेंजमेंट, और एक आता है डिस्ट्रीब्यूशन। दो तरीके नए आइटम, अगर हम उसको अरेंज कर पाते हैं, मतलब इसको कितने तरीके से आपको कहेगा कि फाइव डिजिट का, मतलब फाइव डिजिट का कितने नंबर इससे बन सकते हैं, यानी फाइव डिजिट का 1, 2, 3, 4, 5 फोर। तो अब कहेगा कि इसमें हम इसको कितने तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट आएगा, तो अरेंजमेंट जो आता है वही दो नाम दिया गया है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। एक में अरेंजमेंट करते हैं, एक में सिर्फ सिलेक्शन करते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। अब कहेगा कि पांच में दो को सेलेक्ट करना है, तो फाइव नंबर इसमें गिवेन है, इसमें क्या करना है, दो को सेलेक्ट करना है, कोई भी दो को सेलेक्ट करना है। तो इसको लिखते हैं 5C2। अब C क्या है, P क्या है, और अगर C आ जाता है तो इसको कहते हैं कम्बिनेशन, और यही अगर 5C2 क्या किए, उसको सेलेक्ट किए, इसमें फाइव नंबर में दो नंबर सेलेक्ट करके अगर फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यही 5C जो होता है वो पी में कन्वर्ट हो जाता है। पी मतलब कि परमुटेशन, दैट मीन्स परमुटेशन का मतलब हुआ, परमुटेशन का मतलब आपके क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। और कम्बिनेशन का मतलब आपका क्या हो जाएगा, आप किस कितने तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज दैट टू डिजिट आर सेलेक्टेड फ्रॉम द फाइव डिजिट, यानी टू डिजिट मतलब टू डिजिट आपको यहां से सेलेक्ट करना है, जैसे कि 2, 4 में तो दो नंबर को सिलेक्शन। तो ये जो होता है कम्बिनेशन, क्या होता है कम्बिनेशन एक्चुअली में होता है, ये तो ये हो जाता है क्या, अरेंजमेंट, उसको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, और ये हुआ कि कितने तरीके से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कितने तरीके से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या उससे आप उसी का सिलेक्शन जब करते हैं तो उसको कम्बिनेशन बोलते हैं, और उसी को जब अरेंजमेंट में हम कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका नाम हम क्या देते हैं, दैट इज परमुटेशन। तो बेसिक मतलब हम आपको परमुटेशन का बता दिए। परमुटेशन को हम मतलब कि हम किसी भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को
आप अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं ये आपका बताएगा परम्यूटेशन। परम्यूटेशन दैट मीन्स अरेंजमेंट, और कम्बिनेशन दैट मीन्स सेलेक्शन, यानी कितने तरीके से आप उसको उस सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसका नाम आ जाएगा सेलेक्शन। एक सेलेक्शन है और एक अरेंजमेंट है, तो इस दोनों का कम्बिनेशन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। क्या है परम्यूटेशन, मतलब कितने तरीके से इसमें, जैसे कि 5 डिजिट नंबर है, आप कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, मतलब कि 5 डिजिट नंबर है तब इसमें कितने तरीके से, तो ये आ जाता है 5 फैक्टोरियल। आगे हम ये भी बताएंगे फैक्टोरियल क्या होता है, कम्बिनेशन क्या होता है, परम्यूटेशन। तो हम सिमिलरली आपको बता दिए कि आप किसी भी डिस्टिंक्ट या आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को, वैसे हम डिस्टिंक्ट का ही बात करते हैं, कितना डिस्टिंक्ट है, जैसे यहाँ 5 डिस्टिंक्ट डिजिट है, इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जब अरेंजमेंट की बात हो तो आप समझ जाइएगा कि ये परमोटेशन है, जब अरेंजमेंट की बात हो तो समझ जाइएगा परमोटेशन है, और जब मतलब कम्बिनेशन की बात हो, सेलेक्शन की बात हो, सेलेक्शन की बात हो, तो आप समझ जाइएगा कि ये केस किसका है, कम्बिनेशन का। कम्बिनेशन मतलब कि आपको किसी को अरेंज करना है तो परम्यूटेशन, और अगर किसी को सेलेक्ट करना है, कोई फाइव फाइव यहाँ मतलब अलग अलग डिजिट है, इसमें 2 डिजिट को सेलेक्ट करना है, तो 5C2 दैट मीन्स ये इसको कह सकते हैं 5C2, जो कि ये सेलेक्शन है। तो आप ये देखें कि सेलेक्शन और क्या कम्बिनेशन, तो परम्यूटेशन होता है उसको 2 को सेलेक्ट किए, फिर इसी को हम क्या करेंगे अरेंज करेंगे, तो अरेंज जो करते हैं उसको कहते हैं परम्यूटेशन, और कम्बिनेशन का मतलब है कि सेलेक्शन, आप कितने तरीके से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कितने तरीकों से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अरेंज का मतलब है कि आप इसको, इस 5 डिजिट नंबर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दैट इज परम्यूटेशन, और कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं वो आपका क्या बताता है, सेलेक्ट कम्बिनेशन। तो ये हम देख लिए कि बेसिक मीनिंग क्या है परम्यूटेशन का और कम्बिनेशन का। अब हम एक नया वर्ड इसमें यूज करते हैं, दैट इज फैक्टोरियल। इसमें एक नया टर्म ही है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इसको आप डिनोट कर सकते हैं एन फैक्टोरियल, दैट इज अगर एन के जगह पे आप कुछ भी ले, जैसे कि 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। अब इसका मतलब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 से लेकर 5 तक सारे को मल्टीप्लाई करें, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसी का नाम हम लास्ट में देते हैं फैक्टोरियल 5। और देखिए यही 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, दैट इज फैक्टोरियल 6। यानी क्या है एक्चुअली में मल्टीप्लीकेशन, कोई फैक्टोरियल को इस तरीके से डिनोट करते हैं, एक इस तरीके से फैक्टोरियल 6। और अगर फैक्टोरियल 7 रहा तो उसको क्या करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू विच 7। सो सिमिलरली 8 को क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 8। ऐसे अगर एन रहे तो क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एंड सो एन एन। तो मतलब कि ये होता है, लेकिन इसमें एक चीज और होता है एक्चुअली में, क्या है कि 5 डिस्टिंक्ट नंबर को आपस में सजाने का तरीका क्या होता है फैक्टोरियल 5। 6 डिस्टिंक्ट नंबर, डिस्टिंक्ट बोल रहे हैं, डिस्टिंक्ट मतलब कि सब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, डिफरेंट नंबर उसी को हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट नंबर मतलब कि सब अलग अलग होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। तो 5 आइडेंटिकल नंबर को अगर हमको क्या अरेंज करना है, अरेंज अरेंज कोई परम्यूटेशन कहते हैं, अरेंज करना है, तो उसी के लिए हम फैक्टोरियल का यूज करते हैं, मतलब कि आप उसको अरेंज किस तरीके से करते हैं। तो 1 इंटू 2 इंटू 5 इस तरीके से, 6 डिस्टिंक्ट नंबर हो तो उसको फैक्टोरियल 6, 7 डिस्टिंक्ट नंबर हो तो फैक्टोरियल 7, 8 डिस्टिंक्ट नंबर हो, ऐसे अगर n डिस्टिंक्ट नंबर हो तो 1, 2, 3 अप टू
एन तक। तो ये आपका हुआ एक फैक्टोरियल, इसमें हम वर्ड यूज करते हैं डेट इज फैक्टोरियल। द फैक्टोरियल कुछ नहीं होता है, फाइव का फैक्टोरियल है, तो वन टू थ्री फोर से लेके फाइव अप टू फाइव, मतलब फाइव डिस्टिंक्ट नंबर को आपस में सजाने का तरीका फाइव फैक्टोरियल। सिक्स डिजिट अलग अलग डिफरेंट होना चाहिए, तो ये सिक्स फैक्टोरियल। इसमें सारा डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो ये हम देखें एक फैक्टोरियल, इसमें बहुत कॉमन वर्ड यूज करते हैं हम लोग फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब आई होप आपको समझ में आया हो। तो आइए हम देख रहे थे दैट इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हम देख लिए, फैक्टोरियल का कुछ मतलब नहीं, मतलब एक सिंपल सा मीनिंग था कि जैसे फाइव फैक्टोरियल हो तो वन से लेके अप टू फाइव तक, और ऐसे सिक्स हो तो सिक्स तक। फैक्टोरियल मतलब ये था। तो आगे हम देखेंगे दैट इज फैक्टोरियल, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या फैक्टोरियल का मतलब। सिंपल से है कि ए फाइव डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हमको अरेंज करना है, क्या करना है अरेंज। अरेंजमेंट के लिए हम परमुटेशन यूज करते हैं, कम्बिनेशन सेलेक्शन के लिए यूज करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं अरेंजमेंट अरेंज करते हैं, इसको क्या करते हैं सेलेक्शन। एक सेलेक्शन है, एक अरेंजमेंट है। तो हम अब देखते हैं फैक्टोरियल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कुछ इसके प्रॉपर्टीज, किसके परमुटेशन के प्रॉपर्टीज। अब आपको दिया रहे एन सी, सॉरी सी ने पहले पी का देखते हैं परमुटेशन का, एन पी आर मतलब क्या है एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में। और एक चीज हम बताना भूल गए हैं शायद, आप याद रखिएगा जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू वन होता है, जीरो मत लिख दीजिएगा। जीरो फैक्टोरियल मतलब कि ये कि अगर जीरो, जीरो का मतलब है कि एक भी ऑब्जेक्ट नहीं हो उसको अगर हमको अरेंज करना है, जैसे कि हम अभी बताए थे फाइव फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव। ऐसा सिक्स फैक्टोरियल अगर रहे तो वन इंटू मतलब सिक्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का जो तरीका होता है वही होता है क्या सिक्स फैक्टोरियल। इसका हम नाम जो देते हैं फैक्टोरियल, मतलब सिक्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट को जो सजाने का तरीका होता है, मतलब अरेंज करने का जो तरीका होता है वो एक्चुअली में आपका क्या हो जाता है ये सिक्स फैक्टोरियल हुआ। और ऐसे ही अगर जीरो है, जीरो मतलब क्या हुआ कि एक भी ऑब्जेक्ट को सजाए, मतलब सजाने का तरीका, तो एक तरीका हो सकता है, मतलब समझिए एक भी ऑब्जेक्ट नहीं हो, कहे कि जीरो ऑब्जेक्ट है, समझिए कि यहाँ पे इस बोर्ड पे कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ नहीं है, एक्चुअली में ये आपका वर्टिकली है तो इस पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको सजाने का तरीका, तो जीरो ऑब्जेक्ट को सजाने का तरीका एक होता है, याद रखिएगा। ये मत लिखिएगा जीरो फैक्टोरियल का मतलब, तो आप अभी बताए थे कि वन, वन से शुरू होता है, जीरो से नहीं शुरू होता है, तो हमेशा वन याद रखिएगा, ये आपका एज्यूम्ड है। मतलब कि जीरो मतलब एक भी ऑब्जेक्ट को सजाने का तरीका, हम क्या रहे थे सारा अरेंजमेंट है। फाइव फैक्टोरियल का मतलब फाइव डिफरेंट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सजाने का तरीका, सिक्स फैक्टोरियल का मतलब सिक्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट का, वैसे जीरो रहे जिसका वैल्यू हम लोग वन याद रखते हैं, यानी कि जीरो फैक्टोरियल दैट मीन्स इट इज वन, यानी कि जीरो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सजाने का तरीका एक होता है, ये आप याद रखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो फैक्टोरियल दैट इज वन नॉट जीरो। ये हम फैक्टोरियल देख लिए, अब हम देख रहे थे कॉम्बिनेशन के, कॉम्बिनेशन में हम देख रहे थे एन पी आर, क्या हम देख रहे थे एन पी आर, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं मतलब कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इसको पढ़िए एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और उसमें आप इसको पढ़िएगा टेकन आर
एट ए टाइम। एन पी आर मतलब कि ये समझिएगा कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, एन और उसमें हमको आर ऑब्जेक्ट को क्या करना है, अरेंज करना है। जैसे कि मतलब आप सोचिए कि पांच अलग अलग है, 1 2 3 4 7, हाँ तो 5 हुआ ना, तो ये 5 अलग अलग है, इसमें हमको दो को, सिर्फ दो को ही क्या करना है, अरेंज करना है, बाकी तीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। मतलब समझिए एक नंबर है, इसमें आपको फर्स्ट दो के साथ छेड़छाड़ करना है, बाकी तीन के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इसमें क्या लिखेगा, 5P2, मतलब इसमें क्या करना है, दो का अरेंजमेंट करना है, दो का अरेंजमेंट, 5 में दो का अरेंजमेंट करना है। तो इसी का नाम देते हैं 5P, मतलब परमुटेशन, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, आपका परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, अरेंजमेंट करना है और वो भी दो का, तो 5P2। तो इस तरीके से अगर लिखा रहे तो आप याद रखिएगा, एन का जो वैल्यू होता है इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू आर। मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि 5 में 6 का आपको अरेंजमेंट पूछ दे, नंबर 5 है आप कहेगा उसमें 6 का आप अरेंजमेंट करिए, अब 5 नंबर है तो 6 हम कहाँ से लाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। 5C या P6 नहीं मिलेगा। आप समझिए 5 नंबर है, उसमें हम 6 नंबर को कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे, सिंपल सा बात है, 5P6 कभी नहीं लिखा होगा, दिस इज रॉन्ग, ये कभी हो ही नहीं सकता। यानी 5 नंबर में हमको 6 नंबर का मतलब क्या करना है, उसको अरेंज करना है, 5 नंबर है उसमें 6 नंबर को हम कैसे अरेंज करेंगे, दैट्स अ लॉजिक। यानी कि आपका समझिए कि एन का जो वैल्यू है वो हमेशा आर के या तो बराबर हो सकता है, एन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू आर, एक पहला, और आर का जो मिनिमम वैल्यू है आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आर जो है हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, 0 से बड़ा अप टू एन तक। तो आर का जो रेंज होता है 0 से बड़ा होता है लेकिन एन से छोटा होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। क्या आर, आर का मतलब टेकन, मतलब कितना टर्म, इसमें जैसे 5 टर्म है, इसमें मैक्सिमम इसका वैल्यू, आर का वैल्यू कितना जा सकता है, 5 जा सकता है, यानी कि 5, अब मिनिमम 0, सो आर इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन एन, आप ये समझ सकते हैं, मतलब 0 से r बड़ा हो सकता है बट n से छोटा होगा, क्योंकि n से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता, इट नॉट बी पॉसिबल, कि आप समझिए कि 5 नंबर है उसमें 6 का अरेंजमेंट कभी हो ही नहीं सकता, 5 नंबर है तो 6 का अरेंजमेंट कहाँ से आ जाएगा, आप समझिए, अब 5 नंबर है उसमें 6 का सिलेक्शन कहाँ है, नंबर 5 ही है तो उसमें 6 सिलेक्शन कहाँ से हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल, हेंस दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब कि आप समझिए कि आर, दिस आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा बट एन से छोटा होगा, 0 से तो बड़ा होगा बट एन से छोटा होगा। तो ये इसको हम पढ़ेंगे, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, यहाँ से आपको ये आ गया आपका क्या, अरेंजमेंट दैट इज परमुटेशन। इसको हम, ये एक चीज हम बता दिए कि एन आर जो होता है, आर का क्या रेंज हम बता दिए, आर हमेशा 0 से बड़ा होता है लेकिन ये हमेशा किस, 0 से तो बड़ा होता है बट ये एन से हमेशा छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है बट एन से छोटा होता है, और ये हम आपका इसका बता दिए। अब इसका थोड़ा हम वैल्यू बताते हैं, ये हम सबका बेसिक हम बता रहे हैं, अब इसका हम वैल्यू बताएंगे, आर क्या बताएं, आर 0 से बड़ा होगा बट एन से हमेशा छोटा होगा। अब इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू आप याद रखिएगा, एन पी आर दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर, ये इसका वैल्यू होता है, याद रखें, ये आप हमेशा याद रखें, क्या एन पी आर का वैल्यू, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, पी दैट मीन्स अरेंजमेंट, परमुटेशन, परमुटेशन इट मीन्स अरेंजमेंट, टेकन आर एट ए टाइम,
फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये आप हमेशा याद रखें, इसका वैल्यू हो जाता है। इसका वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये आपका आ गया। ये आप हमेशा इसको याद रखिएगा, क्या इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू आपका होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये आप याद रखिएगा। एन पी आर का वैल्यू होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर। और ध्यान से देखिए, इसका मैं एक प्रॉपर्टीज हम बता रहे हैं आपको, प्रॉपर्टीज इसका वैल्यू आप हमेशा याद रखिएगा। आर का हम बता दिए हैं, आर जीरो से बड़ा होगा लेकिन एन से छोटा होगा, ये हम भी बता दिए। और इसका एक प्रॉपर्टीज होता है एन पी एक्स, सॉरी एक्स वाई हम बाद में यूज करेंगे, एन सी आर का जो वैल्यू होता है पी हम यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, एन पी आर का जो वैल्यू होता है, आइए देख रहे थे इसके प्रॉपर्टीज, आप इसका वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, एन पी आर का वैल्यू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। अब यहाँ P के जगह पे अगर यही C आ जाए, C N C R, मतलब इस बार आपको क्या करना है, दिस मीन्स सेलेक्शन, यही परमुटेशन अभी देख रहे थे, अब हम देखेंगे सेलेक्शन। तो सेलेक्शन का वैल्यू आ जाएगा, इसका अगर वैल्यू ये है तो इसका वैल्यू फैक्टोरियल N डिवाइडेड बाय N माइनस R इंटू फैक्टोरियल एन, मतलब इससे हमेशा छोटा आएगा। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि अरेंजमेंट यानी परमुटेशन किसी का उससे ज़्यादा होता है। देखिए इसमें क्या है यही फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर, इसमें डिवाइडेड बाय एन भी हो जाता है, यानी कि ये इससे कितना टाइम्स ज़्यादा है, ये इससे एन टाइम्स ज़्यादा है, इसमें एन से अगर मल्टीप्लाई कर दिए ये वापस से वही आ जाएगा। तो ये जो होता है ये अरेंजमेंट शो करेगा। तो ये हम सिलेक्शन का बात कर रहे थे कि इसका वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय, इसका वैल्यू आप याद रखिए, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, ये आपका पूरा वैल्यू हो गया किसका, सी का। पी का क्या हुआ, अब वही फिर हम इसमें भी प्रॉपर्टीज वही यूज करेंगे कि आर जो है हमेशा जीरो से बड़ा होगा बट एन से लेस होगा। इसमें आप देखें ये सिलेक्शन है, ये आपका क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट। ये हुआ सिलेक्शन, ये हुआ आपका अरेंजमेंट, क्या हुआ एन सी आर डेट इज सिलेक्शन, ये जीरो से बड़ा होगा और एन से ऑब्वियसली छोटा होगा आपका। अब हम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, आइए देख रहे थे दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। इसमें देख लिए थे एन पी आर का वैल्यू, एन सी आर का वैल्यू देख चुके हैं। अब हम देखते हैं सेलेक्शन जो होता है, परमुटेशन सेलेक्शन से ज़्यादा होता है और कितने टाइम्स ज़्यादा होता है, आर टाइम्स, टेकन आर एट ए टाइम अगर दोनों के साथ ले रहे हैं तो। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सी, जो भी बात हम करेंगे सब हम सिलेक्शन पे बात करेंगे, सी का हम बात करेंगे और लास्ट में सी को अगर पी में कन्वर्ट करना हो तो फैक्टोरियल आर से मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिए, हम जो भी बात करेंगे एन सी आर का बात करेंगे, पी का बात हम थोड़ा कम करेंगे क्योंकि यही इसी में अगर फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाई हो जाता है। ध्यान से देखिए ये क्या है आपका, अभी हम बता रहे थे आपको दिस इज सेलेक्शन, और इसको हम आपको अभी डिराइव किए थे फैक्टोरियल। तो समझिए कि
किसी का सेलेक्शन करो, यानी सेलेक्शन करके उसको अरेंज कर दो, तो ये क्या बन जाता है आपका, एन पी आर। ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे हैं आपको, सेलेक्शन के बाद उसको फैक्टराइज कर देते हैं और ये वही बन जाता है आपका क्या, अरेंजमेंट। कितने का, आर का। तो समझिए कि आप क्या कीजिएगा, अब जब भी आपको अरेंजमेंट करने की बात हो, परमुटेशन करने की बात हो, तो एन सी आर कर लेंगे और इंटू फैक्टोरियल आर करते हैं, वही एक्चुअली में क्या हो जाता है, एन पी आर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यानी कि ये क्या है, हम बताए थे फैक्टोरियल आर का मतलब, फैक्टोरियल एन का मतलब वन टू अप टू, ये क्या है, आर डिस्टिंक्ट नंबर है, तो वन से लेके आर तक मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यानी कि समझिए, सेलेक्शन में अगर हम उसको फैक्टराइज कर देते हैं, उसी को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा एक नया बन जाता है, डेट इज अरेंजमेंट। सो दिस इज मतलब दोनों में समझिए कि यही रिलेशन है, बस आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी और आर में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। ये देखिए आपका रिलेशन बना है, परमुटेशन और कम्बिनेशन के साथ सी पी में कन्वर्ट हो जाता है, जब उसमें फैक्टोरियल आर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही सी पी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ध्यान से देखिए, यहाँ हम एक नया कंसेप्ट आपको सिखाएं, क्या सी और पी के बीच में रिलेशन, एन सी आर इंटू इंटू क्या, फैक्टोरियल आर, ये आपको क्या देता है, एन पी आर। मतलब कि देखिए, सी और पी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन आपको हम शो करवाएं, एन सी आर को फैक्टोरियल आर से मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टोरियल, तो ये क्या बन जाता है, डायरेक्ट पी बन जाता है। तो आगे हम इसका दैट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, सी और पी के बीच में देखिए डायरेक्ट ये रिलेशन होता है, ये आप याद रखिएगा। आगे हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, किसका देखेंगे, अब सी का सारा का प्रॉपर्टीज हम सी पे देखेंगे, और उसको पी में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, फैक्टोरियल आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा एक है कि एन सी आर, ये आपका प्रॉपर्टीज समझिए, पी वन है, प्रॉपर्टीज वन, क्या करते हैं, एन सी आर को हम अभी बताए थे, एन सी आर को फैक्टोरियल आर से मल्टीप्लाई करने से ये एन पी आर में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका क्या रिलेशन बना। तो अब हम देखते हैं, दैट इज माय न्यू प्रॉपर्टीज, अब देखेंगे एन सी आर जो कि बराबर होता है एन सी आर माइनस वन, एन सी एन माइनस आर। ध्यान से देखिए क्या किए हम, मतलब एन सी आर का जो वैल्यू होता है वो एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसीलिए हम इसको इम्पोर्टेंट नाम दे रहे हैं आपको। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी है किसका, ये कॉम्बिनेशन का, कि एन सी आर किसके बराबर होता है, एन सी एन माइनस आर। मतलब ये आर, एन तो एन ही है, ये इसके बराबर होता है, कब बराबर रहता, तो इसी तरीके से ये प्रॉपर्टीज फर्स्ट है, यानी कि समझिए 5C4 किसके बराबर हो जाएगा, 5C n माइनस आर, n यहाँ क्या है, n यहाँ 5 है, 5 माइनस आर, आर क्या है यहाँ 4, तो समझिए कि 5C4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5C1 के बराबर हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, 5C4 वही है जो n माइनस आर, n यहाँ क्या है, एन यहाँ 5 है, तो 5 माइनस 4 डेट इज 1, तो 5C1 का वैल्यू 5C4 के बराबर है। सिमिलरली 6C3
थ्री का वैल्यू 6c3 ने, 4 का वैल्यू इसके बराबर होगा 6c, 6 माइनस 6, यहाँ n का वैल्यू है, r यहाँ क्या है 4, तो 6 माइनस 4 डेट इज यू गेट 6c4 इज इक्वल टू 6c2। ध्यान से देखिए 6c4 का वैल्यू 6c2 के बराबर है। सिमिलरली इस पे प्रॉपर्टीज एक और देखते हैं, 5c3 का वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, 5c5 माइनस 3, दैट इज यू विल गेट 5c3 इज इक्वल टू 5c2, ये इसके बराबर होगा। यानी कि हम एक प्रॉपर्टीज देखे हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, एन सी आर का जो वैल्यू होता है एन माइनस आर के बराबर होता है, एन सी आर का जो वैल्यू है एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये हम क्या है, एन सी आर का जो वैल्यू है वो एन माइनस आर के बराबर है। उस सारे का एप्लीकेशन बताएं, 5c4 का जो वैल्यू है 5c1 के बराबर है, कैसे 1 के बराबर है, एन माइनस आर, एन के जगह यहाँ आर क्या है, ये देखिए एन का वैल्यू है 5, तो 5 माइनस 4 डैट इज 1, तो यू विल गेट 5c4 इज इक्वल टू 5c1। एग्जैक्टली 6c4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6c n माइनस आर, ये सारा हम यूज करें एन माइनस आर, एन यहाँ 6 है, 6 माइनस 4 यू विल गेट 6c4 डैट इज इक्वल टू 6c3। एग्जैक्टली यहाँ देखते हैं 5c3 का वैल्यू जो होता है 5c5 माइनस 3, एन का वैल्यू है 5 है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है। क्या, एन सी आर का जो वैल्यू होता है एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है। तो ये आपका प्रॉपर्टीज फर्स्ट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स भी देखें तो याद रखिएगा। एन सिमिलरली यहाँ तक देखेंगे, और एक एन सी आर का जो वैल्यू होता है एन माइनस एन सी आर के बराबर होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इसी पे बेस्ड एक प्रॉपर्टीज है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है क्या, एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, एक्चुअली प्रॉपर्टीज यही है इसी का, बस ये आपको याद हुआ तो ये भी याद होगा। ये कब बराबर हो सकता है, सोचिए एन सी एक्स एन सी वाई के बराबर कब हो सकता है, जरा सोचिए। अगर ये प्रॉपर्टीज आप समझे होंगे तो इसको बनाने में, ये तभी बराबर हो सकता है जब एक्स प्लस वाई का वैल्यू एन हो। ये कंडीशनल है, एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन, ये तभी कंडीशन हो। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों को ऐड कीजिए तो एन माइनस आर प्लस आर का वैल्यू क्या हुआ, एन हुआ, आर से आर कैंसिल। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ ये इस दोनों का सम कितना है, इस दोनों का सम है, टोटल सम है एन। अब तो इस दोनों का सम भी कितना होना चाहिए, एन। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन, यहाँ से आपका ये आ गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एन सी एक्स का वैल्यू एन सी वाई के बराबर तभी होता है, कब होता है, जब एक्स प्लस वाई का वैल्यू एन के बराबर होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था। आगे हम एक और इस पे कंसेप्ट देखेंगे, उस पे बेस्ड प्रॉब्लम भी देखेंगे। दिस इज द प्रॉपर्टीज वन, क्या है, एन सी एक्स का वैल्यू एन सी वाई के तभी बराबर होगा जब एक्स प्लस वाई का वैल्यू एन हो। यानी प्रॉपर्टीज ये है, एन सी आर का वैल्यू एन सी एन माइनस आर के बराबर होगा। तो आगे हम इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और हम देखेंगे एक और प्रॉपर्टीज, जो कि दो प्रॉपर्टीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पी वन तो आप देख लिए जो कि बहुत जगह यूज आएगा, और हम देखेंगे प्रॉपर्टीज पी टू, यानी कि सेकेंड प्रॉपर्टीज। सेकेंड प्रॉपर्टीज कहता है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, क्या एन सी आर
प्लस एन सी आर माइनस वन, इसका वैल्यू जो होता है ध्यान दीजिएगा एन प्लस वन सी आर होता है। इस प्रॉपर्टीज को आप हमेशा याद रखिएगा, दो ही प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, जो एक पिछला हम यूज किए वो आपको, और एक ये एन सी आर प्लस एन सी एन माइनस आर दैट इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, यानी कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन ये किसके बराबर होगा, एन प्लस वन सी आर के बराबर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, पहले आप समझ जाइए एन सी आर प्लस एन सी एन आर माइनस वन का वैल्यू एन प्लस वन सी आर, मतलब कि समझिए कि क्वेश्चन ऐसे रहेगा फाइव सी फोर प्लस फाइव सी थ्री, अगर ऐड करना है तो ये क्या हो जाएगा एन प्लस वन, एन प्लस वन डेट इज एन क्या समझिए कि ऊपर का दोनों का हेड बराबर होना चाहिए और टेल में एक का डिफरेंस होना चाहिए, ध्यान दीजिए एक आर है तो एक आर माइनस वन है, ध्यान दीजिए एक का डिफरेंस दोनों मतलब समझिए हेड दोनों का बराबर होना चाहिए एन एन, सिंपल सा बात है कि इसका भी एन है तो इसका भी एन है, इसका भी एन है, इसका भी एन है, और दोनों के बेस में एक का डिफरेंस हो, एक एन माइनस वन हो या एक उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो, ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसको केयरफुली देखिए आप, ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या इसमें देख रहे थे एन मतलब दोनों का हेड सेम हो और इससे एक छोटा होना चाहिए, यानी कि अगर ये रहे फाइव सी फोर प्लस फाइव सी थ्री तो इसका वैल्यू हो जाएगा सिक्स सी फोर, याद रखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है एन सी आर प्लस एन एन मतलब दोनों का हेड सेम है और इससे एक इसका जस्ट छोटा होना चाहिए एन माइनस वन दोनों का, हाँ तो इसका वैल्यू होता है एन प्लस वन, यानी कि इसमें एन में एक ऐड हो जाता है और ये वाला वही है एन प्लस वन सी आर। ये इस पर बेस्ड बहुत सारा प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं जिससे ये आपका प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट दिन हम कुछ और देखेंगे। क्या है ये प्रॉपर्टी एन सी एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन का वैल्यू एन प्लस वन सी आर के बराबर होता है, ये आपका प्रॉपर्टीज है। तो इस पे बेस्ड हम प्रॉब्लम भी देखेंगे, आगे भी आगे का कंसेप्ट भी देखेंगे। सो वीडियो अगर अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पे बहुत सारा वीडियोस का अप टू डेट आता रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।